नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब मंडे के लिए 23 सितंबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, निफ्टी मैंने अगला वीडियो में बोला था निफ्टी 10,650 के नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाएगा तो 10,450 तक आ सकता है। या ऐसा हुआ नहीं, ये सपोर्ट लेके फिर से ये एक लंबा बुलिश कैंडल आज दिया है। तो ये अभी देखिए, इसका फर्स्ट जो लेवल, सॉरी ये मैंने बैंक निफ्टी दिखा रहा हूँ, ये निफ्टी जो इसका जो फर्स्ट लेवल था 10,846, उसके बाद वो क्रॉस करके 11,000 तक, 11,000 क्रॉस किया, उसके बाद फिर ये 11,132 क्रॉस किया, उसके बाद ये 11,405 तक, मैंने निफ्टी फ्यूचर देख रहा हूँ, 11,405 तक ये हाई मारा है। तो ये देखिए, ये फिबोनाची लेवल 138% से 168, ये 168% के ऊपर गया है, उसके बाद फिर 138 में रिस्टेस किया है, लेकिन 138% के ऊपर ही ये क्लोज हुआ है। तो ये 138% से फिर से रिस्टेस करेगा, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आके ये इधर क्लोज ही हुआ है, लेकिन ये लगता है कि ये ऊपर ही जाएगा। और इसका नेक्स्ट जो लेवल आ सकता है, तो ये आप लोग भी देख सकता है, ये इसमें मतलब 420 क्रॉस करेगा तो ये 420 क्रॉस करेगा तो ये 516 तक जा सकता है, 500 510 500 के ऊपर जा सकता है, उसके बाद ये 750 तक आ सकता है फिलहाल, उसके बाद तो फिर ऊपर जा सकता है, आप लोग देख ही सकता है 12,000 के ऊपर। तो मैंने इसका ऑप्शन चेन देखूंगा, तो इसका जो फर्स्टली इसका जो पीसीआर रेशियो है ये 1.3% के 1.3 के आसपास है। तो ये पहले 405 ये 300 के ऊपर हाई मार के ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, हो सकता है ये पीसीआर रेशियो 1.455 के आसपास जाके और फिर 1.3 आ गया है, तो ये फिर से इधर से ऊपर ही 1. जब तक ना 1.5 1.6 होगा ये ऊपर जाने का प्रायोरिटी ज़्यादा है। और इधर जो 11,500 में इसका रेजिस्टेंस शिफ्ट किया है, 11,500 में रेजिस्टेंस है, 11,400 में रेजिस्टेंस है और 11,300 में भी रेजिस्टेंस है। इधर कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, इसका सपोर्ट सपोर्ट है 11,200 और उसके बाद 11,100, उसके बाद 11,000 में इसका सपोर्ट है। तो इधर देखिए, हेवी शॉर्ट शॉर्ट पुट राइटिंग हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी है कि इधर कुछ शॉर्ट कवरिंग हो, इसी के वजह से कुछ लो आ सकता है, लेकिन 11,200 के नीचे जाने का इस एक्सपायरी में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और क्योंकि इधर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इधर से ज़्यादा है। मैंने बैंक निफ्टी का देखना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी का बताना चाहता हूँ, और निफ्टी का प्रोबेबिलिटी आप लोग देखेंगे तो इस एक्सपायरी में देखिए, मैंने 6 डेज पकड़ा है और 11,200 इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट और 11,500 इसका रेजिस्टेंस दिया हूँ। तो प्रोबेबिलिटी का जो कैलकुलेशन है दिखा रहा है कि नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 37.76% और 14.07% नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बैंक निफ्टी भी आप लोग इधर से देख ले सकता है, बैंक निफ्टी इधर बैंक निफ्टी ऊपर जाने 28,500 में इसका सपोर्ट है और 29,500 में इसका मैंने रेजिस्टेंस पकड़ा, तो इसी का हिसाब से डाउन ट्रेंड है, बैंक निफ्टी अप ट्रेंड है, निफ्टी इस एक्सपायरी में डाउन में जा सकता है, लेकिन वो 11,200 मैंने रेजिस्टेंस पकड़ा, 11,500 सपोर्ट पकड़ा ऑप्शन चेन का हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं होने का चांस बहुत ही कम है, 11,200 के नीचे जाने का चांस बहुत ही कम है। तो क्योंकि ये जो फिबोनाची लेवल है इसको ये